जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, टू पार्टिकल स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ओ से एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है, टू पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से एक पार्टिकल इधर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ से इसी यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक हो गया, वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 फुट पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, एंड द अदर विद ए वेलोसिटी 90 माइल्स पर आवर एंड ए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग, यानी कि द रेट ऑफ डिक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑफ 8 फुट पर सेकेंड स्क्वेयर। तो फाइंड फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर सेम। एक तो बच्चों आपने कहते हैं दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक आपके 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है एक्सरेशन के साथ। ठीक है, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, पहले पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन उसका क्या है बच्चों, 2 फीट पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, पहला पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल है उसकी स्पीड तो ज्यादा है, यानी 90 माइल्स पर आवर, लेकिन वो रिटार्डेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, किसके साथ मूव कर रहा है, रिटार्डेशन के साथ, यानी इसको एक फर्स्ट पार्टिकल है तो ये 1 दे दें और सेकेंड पाल ने तो A2। रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा -8, हाँ जी, फीट पर सेकेंड स्क्वेयर। पहला पार्टिकल एक्सरेशन के साथ मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल रिटार्डेशन के साथ मूव कर रहा है। पहले एक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक्सरेशन, हाँ जी, स्पीड बढ़ती जाएगी और दूसरे पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो फाइंड द टाइम, वो टाइम बताएं आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर सेम। देखिए, यहाँ पर एक की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 45 माइल पर आवर और दूसरे पार्टिकल की थी 90 माइल पर आवर। तो कहते हैं कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। देखें, इसकी जो है ना वेलोसिटी, ये डबल है इससे। तो कहते हैं कितने, एक तो आपने वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर सेम एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, वेयर दे मीट अगेन। और आपने ओ से डिस्टेंस वो फाइंड करना है जहाँ पर वो दोबारा मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपने एक दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टाइम फाइंड करना है कि जब दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी तो वो टाइम क्या होगा, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब वो दोबारा मीट करेंगे, ठीक है, जब वो दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है ओ से, यानी कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ तक ये डिस्टेंस हमने एक्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को, इसको मज़ीद देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करने करते हैं। जी बच्चों, बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन, पहले फर्स्ट पार्टिकल, तो फोर फर्स्ट पार्टिकल, जी, तो उसकी जो स्पीड थी, जो विलास्टी थी, इनिशियल विलास्टी, वो क्या थी, 45 माइल्स पर आवर। ठीक है, इसको हमने फुट पर सेकंड में लाएंगे तो 45 माइल्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, 1760, तो अभी ये गज बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मजीद करेंगे तो ये आप फुट बन गया, और घंटे को जब हम सेकंड में लेके आएंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 66 फीट पर सेकेंड। ठीक है, कटिंग आप लोग बच्चों खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी, और उसके एक्सरेशन के साथ मूव कर रहा था, तो चूंकि फर्स्ट पार्टिकल है तो इसलिए A1 लिखेंगे, तो वो क्या है, 2 फुट पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल है। अब फॉर सेकंड पार्टिकल, फॉर
सेकंड पार्टिकल, जी सेकंड पार्टिकल में, हाँ जी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, 90 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको पहले फुट पर सेकंड में, तो 90 को क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3600। तो बच्चों ये तो देखो, ये 45 था तो 66 आया, ये उसका डबल है तो 66 का डबल क्या हो जाएगा, 132 फीट पर सेकंड, ठीक है, ठीक हो गया। कटिंग करेंगे तो यही आएगा, और उसके जो रिटार्डेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या है तो होता तो एक्सलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज, वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे मज़ीद इसको। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम टाइम फाइंड करते हैं कि कितनी देर के बाद दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाती हैं। जी बच्चों, तो मैंने कहा लेट बोथ पार्टिकल अटेन सेम वेलोसिटीज आफ्टर टाइम टी के बाद, आखिर कोई ना कोई टाइम तो लगेगा, तो मैंने कहा वो टाइम टी है, टाइम टी के बाद दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाती हैं। देन फिर बाय यूजिंग द फार्मूला, हाँ जी, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ जी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक हो गया। तो पहले फॉर फर्स्ट पार्टिकल की बात कर ली जाए, तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जी, तो क्या होगा, विलास्टी तो सेम आएगी, पहले पार्टिकल की भी विलास्टी वही वी रखेंगे और दूसरे की भी वी, क्योंकि सेम विलास्टीज हैं, तो इसकी भी वी आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल है तो ये इनिशियल वेलोसिटी u1 होगा और एक्सेलरेशन a1 होगा, और टाइम भी सेम होगा क्योंकि आफ्टर टाइम टी के बाद दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम वेलोसिटी और टाइम सेम रखेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे बस, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, u1 आपका क्या है, 66, और एक्सेलरेशन है 2 और ये t, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब लिखेंगे फोर सेकेंड पार्टिकल, फोर सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल की, हाँ जी, विलास्टी तो सेम रहेगी, हाँ जी, यू टू प्लस ए टू, और टाइम भी सेम रहेगा क्योंकि टाइम टी के बाद दोनों की विलास्टी सेम हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू, हाँ जी, यू टू आपके पास क्या है, 132, ए टू आपके पास माइनस का 8 है और ये टी हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो आप देखें इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, ठीक है। तो क्या करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, या फिर क्या करें, इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो मर्जी करें। तो मैं क्या कर दूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जी, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 66 प्लस 2 टी इज इक्वल टू 132 माइनस 8 टी, ठीक है। अब टी को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और इसको उधर ले जाएं, तो ये, हाँ जी, ये 2 टी आ जाएगा, और ये क्या है बच्चों, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 टी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 132, ये उधर जाएगा तो माइनस का 66 हो जाएगा, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 10 टी इज इक्वल टू, हाँ जी, 66, हाँ जी, 10 पे डिवाइड कर दें तो टी इज इक्वल टू 6.6 आ जाएगा। जी बच्चों, क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 6.6 सेकेंड, ठीक है। 6.6 सेकेंड के बाद आपके दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगे, तो विच इज द रिक्वायर्ड टाइम, विच इज द रिक्वायर्ड टाइम, ये वो टाइम है कि 6.6 सेकेंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने जब दोनों पार्टिकल दोबारा मिलते हैं, ठीक है, तो फिर आपका डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ओ से, तो मैं कहता हूँ लेट वो एक्स है, जी बच्चों, तो मैंने कहा लेट एक्स बी द डिस्टेंस वेयर द पार्टिकल मीट अगेन फ्रॉम ओ, ओ से जहाँ पर पार्टिकल दोबारा मिलते हैं, वो जो डिस्टेंस है वो मेरा एक्स है, आखिर कोई ना कोई टाइम तो लगेगा, तो आफ्टर टाइम टी
वन कर लें या टी डैश कर लें, जो आपका दिल करे। तो मैं टी डैश कर लेता हूँ, क्योंकि टी तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा टाइम टी के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं टी की बजाय कोई और ले लें, आप टी वन ले सकती हैं, मैंने टी डैश ले लिया, ठीक है। तो देन बाय यूजिंग द फार्मूला, देन बाय यूजिंग द फार्मूला, जी कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस चूंकि फाइंड करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स इज इक्वल टू यू टी, अब चूंकि टी की जगह अब डैश आ जाएगा, प्लस हाफ ए टी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डैश तो बस आप टी वन ले लें, जो आपका दिल करे, ठीक है। अब फोर फर्स्ट पार्टिकल का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर फोर सेकेंड पार्टिकल का। तो ये आ जाएगा फोर फर्स्ट पार्टिकल, जी फोर फर्स्ट पार्टिकल का एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वन टी डैश प्लस हाफ ए वन टी डैश का स्क्वेयर, ऐसे आएगा ना, क्योंकि मैंने कहा आफ्टर टाइम टी डैश के बाद दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाता है, यानी वो भी डिस्टेंस एक्स मीट करेंगे, तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में आपने एक्स और टी डैश सेम रखना है, बाकी सिर्फ यू वन और ए वन चेंज होगा, बस फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्टेंस मैंने कहा एक्स कवर करता है, हाँ जी। तो ये आ जाएगा 66 टी डैश प्लस वन ओवर टू, ए वन आपका टू है, टी डैश का स्क्वेयर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 66 टी डैश प्लस टी डैश का स्क्वेयर, इसे आप इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब फोर सेकेंड पार्टिकल, जी बच्चों तो फोर सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू यू टी डैश प्लस हाफ ए टू टी डैश का स्क्वेयर। तो मैंने पहले कहा था डिस्टेंस और टी डैश टाइम सेम रहेगा, बाकी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और ए टू, ये ए की जगह ए टू आ जाएगा, यू की जगह यू टू आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दें, तो 132 टी डैश प्लस वन ओवर टू माइनस का एट, ए टू माइनस एट है, टी डैश का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बच्चो 132 टी डैश माइनस का फोर टी डैश स्क्वेयर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे दें। अब देखें फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, ठीक है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, जो आपका दिल करे। तो मैं क्या करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर कंपेयर करता हूँ, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 66 टी डैश प्लस टी डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू 132 टी डैश माइनस फोर टी डैश का स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये हाँ जी ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा फोर टी डैश का स्क्वेयर, और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 132 टी डैश प्लस 66 टी डैश प्लस टी डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। तो ये फोर और ये टी डैश, ये वन, तो ये आ जाएगा फाइव टी डैश का स्क्वेयर, और माइनस 132 में से प्लस 66, तो ये आ जाएगा माइनस का 66 टी डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, जी बच्चों तो यहाँ से आप टी डैश कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 5 टी डैश माइनस 66 इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू जीरो ये तो, और दूसरा आ जाएगा 5 टी डैश माइनस 66 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टी डैश इज इक्वल टू 66, और टी डैश इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 13.2 सेकेंड, ठीक है, ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि जब टी डैश जीरो होगा ये तो फिर इनिशियल हो जाएगा जब पॉइंट ओ पर है, लेकिन हमने पॉइंट ओ से वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पर वो दोबारा मिलते हैं, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करेंगे, ये मेरे पास टी डैश की वैल्यू आ गई है,
ठीक है। अब इस टी डैश की वैल्यू, चूँकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टी डैश की वैल्यू बेशक आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें या फिर 4 में पुट कर दें, यहाँ से भी आपका डिस्टेंस निकल आएगा। अगर ये ले दें तो इसमें भी डिस्टेंस निकल आएगा, तो आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, वो सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डैश इन इक्वेशन 3, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डैश इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 है एक्स इज इक्वल टू 66 टी डैश, तो ये आ जाएगा 13.2 प्लस 13.2 का स्क्वेयर, टी डैश का स्क्वेयर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10.45 फीट, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस के बाद दोनों पार्टिकल जो है ना वो दोबारा मीट कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, आपके इतने डिस्टेंस के बाद पार्टिकल दोनों दोबारा मीट कर जाएंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, जो कि मैंने इसको बड़ी डिटेल से आपको इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने भी इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक है, तो आपने भी इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो टाइम मेरा ये वाला होगा, ये वैल्यू उसमें पुट करके हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया कि इस डिस्टेंस के बाद दोनों पार्टिकल दोबारा मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो काइंडली आप मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।